और फ्रेंड्स ये भी देखिए इजीली निकल रही है। लक्ष्मी खाना खजाना में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? लक्ष्मी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स गर्मी तो बहुत आ गई है और ऐसे में कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन करता है, तो फ्रेंड्स हम आज बनाएंगे बिना मावा, बिना मैदा, बिना कॉर्नफ्लोर, बिना कस्टर्ड पाउडर के एकदम टेस्टी सी मैंगो मलाई आइसक्रीम, जो कि खाने में भी टेस्टी होगी और बनने में भी बहुत आसान है, 10 मिनट में बनके रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स पहले हम गैस की ओर से लेंगे। फ्रेंड्स ये लिए हमने एक कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे 500 ग्राम फुल क्रीम दूध, क्योंकि हम मैंगो आइसक्रीम एकदम मलाई वाली बना रहे हैं, इसके लिए हम 500 ग्राम दूध लेंगे और इसे गर्म होने देते हैं। दूध को हमने एक बार पहले गर्म किया हुआ है, तो फ्रेंड्स इसे चलाते रहेंगे लो टू मीडियम गैस पे, इसे गर्म करना है ताकि ये उबल के बाहर भी नहीं आए और गाढ़ा सा रबड़ी जैसा बन जाए। फ्रेंड्स जब तक हमारा दूध उबल रहा है हम बाकी की तैयारी करते हैं। ये लिए हमने दो आम, एकदम पके हुए आम लेंगे ताकि हमारी आइसक्रीम बहुत अच्छी सी बने, और इसके साथ ही हम लेंगे 100 ग्राम पनीर, क्योंकि हम इसमें कोई भी कस्टर्ड पाउडर या कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करेंगे, इसलिए हमने पनीर लिया है, इससे हमारी आइसक्रीम बहुत टेस्टी बनेगी। पहले हम आम को छील लेते हैं। आम को हमने पहले अच्छी तरह से वॉश करके पोंछ लिया है, अब हम इसे छील के पीस कर लेंगे कुछ इस तरह से। आम को हमने रफली चॉप कर लिया है, अब हम इसे मिक्सी के जार में ऐड कर देते हैं और इसे पीस लेंगे। बिना पानी ऐड किए इसे पीसना है, साथ में जो हमने दूध गैस पे रखा था उसे भी चलाते रहें, ऐसा नहीं हो कि हम इसमें लगे रहें और दूध हमारा नीचे से लग जाए। आम को हमने पीस लिया है, एकदम गाढ़ा सा बैटर बन के रेडी हो गया है आम का। अब इसे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये हमने दो आम लिए हैं, ये आप आम ज्यादा खाने हो आम ज्यादा भी ले सकते हो। फ्रेंड्स यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। और ये मैंगो आइसक्रीम बनने के बाद, यानी कि मैंगो कुल्फी बनने के बाद खाके कमेंट जरूर करें कैसी बनी है, और आप कौन सी सिटी से हमें देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं। इस पल्प को थोड़ी साइड में रख देते हैं, साइड में हमारा दूध भी गर्म हो रहा है, इसके साइड से ऐसे निकालते रहें ताकि जो ये दूध के चम से जो इस दूध में मिक्स होने के बाद हमारी आइसक्रीम और ज्यादा टेस्टी लगने वाली है, जब ये मुंह में आएंगे तो वो टेस्टी लगती है आइसक्रीम, यानी कि जो हम कुल्फी बना रहे हैं वो दूध को अभी थोड़ा 2 से 3 मिनट और उबालना है, क्योंकि इसमें अब थिकनेस भी आने लगी है और पहले से कम भी हो गया है। अब एक लेंगे हम मिक्सी का जार और उसमें ऐड करेंगे हम 10 से 15 काजू, 10 से 15 बादाम और थोड़े से पिस्ते, और इन्हें पीस लेते हैं। इन्हें दरदरा पीसना है, बारीक नहीं करना है। ड्राई फ्रूट्स को हमने कुछ इस तरह से यानी कि दरदरा सा पीस लिया है। जो हमने पनीर लिया था उसे कुछ इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। पनीर को भी हमने कद्दूकस कर लिया है, हमारी सारी तैयारी हो गई है। अब हम चलेंगे गैस की ओर। दूध हमारा काफी उबल के कम हो गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पनीर कद्दूकस किया था उसे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं, और जो साइड से भी इस तरह से उतारते रहेंगे ताकि ये साइड में भी चिपका ना रहे। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे
इसे थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए हम शुगर की जगह ये मिश्री ऐड कर रहे हैं। ये है जो धागे वाली मिश्री आती है उसको हमने पीस लिया है और इसे पाउडर बना लिया है 3 चम्मच। यदि आप ज्यादा मीठा खाते हो तो आप ज्यादा ऐड कर सकते हो और इसे साथ में मिक्स कर देते हैं और इसे चलाते रहते हैं। फ्रेंड्स, मिश्री का वीडियो हमने सौंफ के शरबत में दिया हुआ है, आप उसे देख लें कि हमने मिश्री को किस तरह से पीसा था और कौन सी मिश्री है। 10 मिनट में ये हमारा सारा बैटर बनकर रेडी हो जाता है और हमारी एकदम अच्छी सी मैंगो कुल्फी बन जाती है। आज हमने कुछ अलग तरीके से मैंगो कुल्फी बनाई है। फ्रेंड्स, आप एक बार ट्राई जरूर करें, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें पनीर, शक्कर जो हमने ऐड की थी, सारी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट पीसे थे वो। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। गैस को रखेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे ताकि हमारा दूध नीचे न लगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए 1/3 टीस्पून इलायची पाउडर। यदि आपको और कोई फ्लेवर देना हो तो आप उसे भी दे सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बन गया ना एकदम गाढ़ा गाढ़ा बैटर। ये देखिए अब ये कुल्फी बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। गैस को कर देंगे बंद क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होने वाला है। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ये अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें जो हमने मैंगो का पल्प निकाल के रखा था उसे ऐड कर देते हैं क्योंकि हम मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके ठंडा होने देंगे। फिर हम इन्हें जमाएंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे जमाएंगे। ये देखिए आ रही ना एकदम अच्छी सी क्रीमी थिकनेस। इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसे हमने इस बाउल में ट्रांसफर कर लिया है ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और साथ ही हम ये छोटी छोटी मटकियां लाए हैं मिट्टी की और ये है चीनी मिट्टी की। फिर हम इन्हें ट्रांसफर करके मटका मलाई कुल्फी बनाएंगे ताकि देखने में भी अच्छी लगेगी, खाने में तो अच्छी है ही। ये हमारा बैटर यानी कि जिससे हम मैंगो कुल्फी बनाने वाले हैं ये ठंडा हो गया है। और अब हम इसे इन मटकियों में ट्रांसफर कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए एकदम थिक सा बैटर बन के रेडी हुआ है। इन मटकियों को हमने पहले अच्छी तरह से धो के पोंछ लिया था, धोए बगैर काम में न ले। हमने सारी मटकियां भर ली हैं, जो बैटर बच गया है उसे एक डिब्बे में ट्रांसफर कर देंगे और उसी में जमा देते हैं। अब हम इनके ऊपर थोड़े थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो जो बैटर बच गया था उसको हमने इसमें ट्रांसफर कर लिया है। थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू और साथ ही थोड़े थोड़े केसर के धागे। और अब हम इन्हें एल्यूमिनियम फॉइल से इस तरह से पैक कर देंगे ताकि इनके अंदर कोई एयर वगैरह ना जाए, एयर भी ना जाए और आइस क्रिस्टल भी ना बने। थोड़े को हम
एल्युमिनियम फॉइल से पैक करेंगे, थोड़े को हम क्लीन फॉइल से पैक करेंगे। आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसी से कर सकते हैं। ये सारे पैक हो गए हैं, अब इन्हें मिनिमम 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देते हैं। जब ये जम जाएगी फिर हम मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स, जो कल हमने मैंगो आइसक्रीम यानी कि मैंगो मलाई कुल्फी बना के फ्रिज में रखी थी सेट होने के लिए, वो सेट हो गई है। अब हम इसके इस तरह से ढक्कन निकाल देते हैं। ये देखिए लग रही है ना एकदम अच्छी सी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी एकदम टेस्टी सी इजीली बन रही है, बनके रेडी खाने के लिए एकदम तैयार, एकदम सॉफ्ट सी। और फ्रेंड्स ये भी देखिए